अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देखेंगे 3D एवो ब्लॉक्स। जो है ये बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए बच्चों की जो है थिंकिंग, सोचने की क्षमता और जो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा एजुकेशनल टॉय है। तो ये जो है 3D एवो ब्लॉक्स है, सॉफ्ट है, हार्मफुल भी बिल्कुल भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो वुडन ब्लॉक्स जो आते हैं, जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, उसके मुकाबले में ये जो है सॉफ्ट ब्लॉक्स हैं। तो और इसके जो खेलने के जो फ़ायदे हैं, ये देखिए, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी सोचने की और क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव करने के लिए और लॉजिक लगाने के लिए ये जो गेम है ये बहुत ही अच्छा गेम है। फोकस और अटेंशन भी होता है इससे, और जो है हैंड फोकस एंड अटेंशन है, और जो है ग्रॉस मोटर स्किल है, यानी कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी बेस्ट है, और जो है फाइन मोटर स्किल है, जजमेंट है, डेवलपमेंट है, और सोशल डेवलपमेंट में जो है शेयरिंग और केयरिंग और टीम वर्क के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। तो जो गेम है ये बहुत अच्छा है, इसे हमारे सोचने के ख्यालात वगैरह, बच्चों के भी ख्यालात वगैरह सब बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो कलरफुल है, ये बहुत ही कलरफुल है, देखिए बनाने में, करने में, बनाने ब्लॉक करने में ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे बिल्डअप बहुत अच्छे से होता है। वुडन ब्लॉक्स भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन वुडन ब्लॉक्स के कंपेयर में ये सॉफ्ट ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, कलरफुल है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, और डाई है, डाई क्रिएटिव है, डाई क्रिएटिविटी की मेन टाइप में है ये, लेकिन ये बहुत अच्छे गेम्स है। इसकी क्रिएटिविटी देखते हैं हम बच्चों पर और खुद भी, मैं आपके सामने बताऊंगी। देखिए ये बहुत कुछ है, ये देखिए कलरफुल है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, देखिए इस तरह रख के इस पर बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, ऑरेंज कलर है, रेक्टेंगल, आप इसमें शेप भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ट्रायंगल शेप, इस तरह। तो एजुकेशनल टॉय है और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, साथ ही साथ कलर, शेप्स और बिल्डअप, इमेजिनेशन, थिंकिंग, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट बहुत कुछ अच्छा होता है। देखिए ये सारे कलर से पूरे, ये रेक्टेंगल है रेड कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये देखिए येलो कलर का। तो फिर चलिए इसकी एक्टिविटी देखते हैं हम, बहुत ही खूबसूरत है, इसका ख्याल बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, जो है बिल्डअप करने की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है इससे। ये देखिए मैं बनाती हूँ आपके सामने कुछ दो चार चीज़ें, आप इससे भी अच्छे बहुत कुछ बना सकते हैं। ये हम लोगों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी तो बहुत अच्छा है। देखिए कभी कभी हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी हम भी बहुत नर्वस हो जाते हैं, इधर उधर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर ले तो हमारा भी जहन थोड़ा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, ऐसे जो है हमारा जहन बिल्कुल बदल जाता है, ऐसे हमारे सोचने के ख्यालात तो बिल्कुल बदल जाते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए होता है ना, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट इमेजिनेशन पावर, स्किल डेवलपमेंट, तो बहुत कुछ अच्छा होता है। देखिए 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 मैंने ये भी बना दिया, तो ये देखिए ऐसे आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ बिल्डअप कर सकते हो। ज़्यादातर तो बच्चे जो है इस तरह रख के ऐसे ही बिल्डअप करते हैं, जब छोटे अगर आपके बच्चे हों, डेढ़ से साढ़े तीन चार साल के, पाँच साल के बच्चे जो हैं ज़्यादातर तो ये एक के ऊपर एक ही ऐसे ही रखते हैं और बिल्डअप करते रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है, देखिए देखे देखे तक बहुत कुछ बना सकते हो, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है इससे। ये देखिए ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और जो है ये जो ब्लॉक है 32 पीस के हैं, इसमें छोटे बड़े साइज़ के सभी हैं, मीडियम साइज़ के भी हैं, और बहुत से पीसेस इसमें ऐड भी हैं अलग अलग शेप के। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ये बहुत अच्छे हैं। देखिए बहुत बिल्डअप करने के लिए तो बहुत अच्छा है ये, और ये तीन साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। सॉफ्ट मटेरियल है, डाई है, अगर ये खेलने के लिए दे दीजिए बच्चों को तो बच्चे टीवी और मोबाइल बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, बहुत बहुत देर तक बच्चे टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे। एक बार बच्चों को ये बनाने का इंटरेस्ट आ गया तो ये बहुत ही अच्छा है, और इमेजिनेशन तो बहुत ही अच्छा है बिल्कुल, और बच्चे बहुत कुछ बना लेते हैं बहुत हमारे देखे देखे तक भी। तो ये बच्चे को अगर आपको जो है मोबाइल और टीवी से दूर रखना है तो ये तो बहुत ही अच्छा गेम है, इट्स वेरी, और ये क्रिएटिव गेम है, एजुकेशनल भी गेम है, और जो है कलरफुल है, शेप्स है,
स्क्वायर शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है और कलरफुल है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और सॉफ्ट मटेरियल है, नॉन हार्मफुल है, नॉन टॉक्सिक है, बहुत ही अच्छा बेस्ट मटेरियल है ये। और जो है वुडन ब्लॉक्स भी इसमें अवेलेबल है, जैसे प्लास्टिक के ब्लॉक्स है वैसे इसी तरह वुडन ब्लॉक्स भी हैं और ये भी एक ब्लॉक है। इसमें छोटे बड़े साइज़ के सभी हैं। ये मैंने सबसे छोटा वाला स्मॉल साइज में बनाया है, मंगाया है। और इसमें जो है बड़े साइज़ के से बड़े साइज़ के भी हैं, उसमें तो आप कैस्टल वगैरह भी बहुत कुछ बना सकते हैं इसमें। I love his papa.